सो फाइनली आज यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट ऑलमोस्ट आफ्टर 1000 डेज ऑफ वॉर अमेरिका की परमिशन के बाद अमेरिका मेड और यूरोपियन मेड मिसाइल्स को यूज कर दिया. देयर इज अ ब्रेकिंग न्यूज अबाउट इट. एंड जब कल अमेरिकन आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन को मिसाइल्स यूज करने के लिए अलाउ किया था, तब से ही एक ऐसी सिचुएशन बनी थी जिसमें यह बोला जा रहा था कि रशिया इस चीज के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिएक्ट कर सकता है एंड दिस कैन लीड टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 3. नाउ इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन ने अमेरिका और यूरोपियन मेड मिसाइल्स को यूज किया है फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड विद दिस, जब अमेरिका के आउटगोइंग प्रेसिडेंट ने सिर्फ 2 महीने पहले व्हेन ही इज टू डिमिट फ्रॉम हिज ऑफिस ऐसे टाइम पर अलाउ किया, इसका क्या कारण हो सकता है? देयर इज अ स्पेकुलेशन दैट क्योंकि रशिया ने नॉर्थ कोरिया की हेल्प ली है, नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट ली है, जिसके चलते हुए यूक्रेन ने इस टाइम पर अमेरिका से ये परमिशन मांगी. एंड बिफोर डिमिटिंग द ऑफिस जो डेमोक्रेट लीडर हैं जो बाइडेन, उन्होंने ये परमिशन दे दी है, जबकि न्यूली इलेक्टेड जो रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं ट्रंप, वो चाहते थे कि ये वॉर ख़त्म की जाए. ऐसे में वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. इनिशियली डेमोक्रेटिक लीडर जो बाइडेन भी इसके अगेंस्ट थे बिकॉज ही नेवर वॉन्टेड अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन अमेरिका एंड रशिया एंड मोर ओवर बिटवीन अमेरिका लेड नेटो और द रशियन फोर्सेज. बट विद द चेंज इन सर्कमस्टेंसेज, अब जैसे ही अमेरिका ने यूक्रेन को अलाउ किया तो यूक्रेन ने साथ की साथ अपनी पहली कार्रवाई कर दी, फर्स्ट मिसाइल अगेंस्ट रशिया. बहुत देर से यूक्रेनियन लीडर जो हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, वो कह रहे थे कि अगर हमें ये परमिशन नहीं दी गई, दिस मे कॉस्ट अस द वॉर, वी मे लूज इट टू रशिया. मोर ओवर बहुत से लोग बोल रहे थे कि अगर ये परमिशन नहीं दी जाती तो फिर पूरी जो अभी तक की सपोर्ट है वो मीनिंगलेस हो जाएगी. ऐसे टाइम पर जो बाइडेन ने अपना स्टैंस है वो चेंज कर दिया. इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आपने आज देखा होगा इंडियन स्टॉक मार्केट पर. जब सुबह मार्केट खुली थी एक बहुत ही हेल्दी नोट पे खुली थी, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स वो ऊपर चली गई थी, लेकिन जैसे ये न्यूज़ आई साथ के साथ जो शेयर मार्केट है वो फिर से टैंक करना शुरू कर गई एंड फाइनली 800 से ज़्यादा पॉइंट लूज करके सिर्फ 200 पॉइंट्स जो हैं उसके गेन के साथ आज मार्केट बंद हो गई. विच मीन्स एक ग्लोबल वोलेटिलिटी इन द इकोनॉमीज भी इसने एकदम से अनलीश कर दिया. इस टाइम पर G20 समिट चल रहा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर हैं, बहुत से सीनियर लीडर्स हैं, ये वहाँ पर एक बहुत ही सीरियस इशू बन के डिस्कस किया जाएगा. इसका जो कंसर्न है वो एस्कलेशन का, वो इम्पैक्ट करेगा इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट को और एक अनसर्टेनिटी देखी जाएगी. साथ के साथ ऑयल प्राइसेस का फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, FII का आउटफ्लो भी चलेगा. नाउ व्हाट माय स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड, जब इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई एक इवेंट होता है जैसा कि आज हमने ये इवेंट देखा, तो एक UPSC एस्पिरेंट को सबसे पहले इसको GS पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेट करना है, जहां पर वो कोल्ड वॉर के टाइम पर जाएगा. कोल्ड वॉर में वो नेटो की फॉर्मेशन, वॉर्सअप एक्ट के बारे में पढ़ेगा, साथ के साथ वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR और यूक्रेन की इंडिपेंडेंस के बारे में भी पढ़ेगा. राइट, ये हुआ पेपर 1. ज्योग्राफी पेपर 1 में आपको मैप के लिए ये प्लेसेस पता होने चाहिए. पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, आपको ये इंटरनेशनल रिलेशन का सीधा सीधा पर्सपेक्टिव है और इसका इम्पैक्ट ऑन इंडिया फॉरेन पॉलिसी, वो भी पढ़ना है. पेपर 3 इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी. एंड पेपर 4 एथिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. तो चारों के चारों पेपर्स के लिए ये न्यूज़ कैसे इंपॉर्टेंट बनती है आपको ये समझना होगा. If you like this video and this explanation and you want us to continue with these kind of videos and you want us to not just tell you the facts but to give you better perspective, a very holistic, wholesome kind of analysis from the perspective of GS paper 1, 2, 3 and 4 and where need be from the perspective of essay paper as well, feel free to tell us in the comments. Thank you very much.